हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले नेचुरल जैसे 22 जून फिर जो है यहाँ पर आप आज के सेशन के लिए किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, कौन से टाइम फ्रेम के बाद या फिर कौन से टाइम ब्रेक के बाद यहाँ पर हम जो है अच्छी अच्छी लॉन्ग मोशन बना सकते हैं, उसके ऊपर ही हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम यहाँ पर प्रीवियस डे का हाई प्राइस देखते हैं तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम कैंडल के हिसाब से एक अच्छा सा हाई प्राइस जो यहाँ पर हमें 676 के आसपास देखने को मिला है। और नियरली अगर हम देखते हैं तो एक घंटे से ये हाई प्राइस जो है लेवल ब्रेक नहीं करा था, उसके बाद यहाँ पर हमें जो है डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। सो यहाँ पर आज के सेशन के लिए अबाउट द प्राइस ऑफ 676 अगर यहाँ पर कैंडल जाती है और सस्टेन करती है 15 मिनट टाइम कैंडल अबाउट दैट प्राइस लेवल, तो एक अच्छी ऐसी जो है यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं विद द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का जो टारगेट है वो देखने को जरूर मिल रहा है। बट फिर भी इंटर टारगेट जो अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट आप यहाँ पर जो है होल्ड कर सकते हो 4, 5, 6 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट, या फिर और ज़्यादा मोमेंटम भी अगर आप कैप्चर करना चाहते हो तो ट्रेल भी कर सकते हो। और से कॉन्ट्रेट अगर मैं पर डाउन साइड के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 650 का ये जो प्राइस लेवल है उसको हम यहाँ पर वेट करेंगे। अगर ये 650 का प्राइस लेवल ब्रेक हो जाए तो डाउन साइड के अंदर यहाँ पर हमें जो है कलेक्ट कर दैट इज ऑलमोस्ट 8 से 7 पॉइंट जो है कलेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पर जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आता है तो नियरली जो है हम यहाँ पर 2 से 3 या फिर 4-5 पॉइंट का जो टारगेट जो है यहाँ पर हम रख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखते हैं तो RSI जो है यहाँ पर हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग जरूर जो है देखने को मिल रहा है। रिलेटिव अच्छा से लो प्राइस से जो है स्ट्रेंथ जो है अपसाइड के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर हमें जो है बढ़ते हुए देखने को मिली है। और लास्ट सेशन के अंदर हम यहाँ पर MACD की बात करें तो MACD ने यहाँ पर हमें जो है एट द एंड बाइंग का सिग्नल दिया, बट यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत सेलिंग सिग्नल बनते हुए देखने को मिल रहा था। सो लेट्स सी कि यहाँ पर आज मॉर्निंग सेशन के अंदर किस तरह का सिग्नल जो है यहाँ पर MACD देता है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम जो है वर्कआउट कर सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली जो है यहाँ पर ब्रेकआउट जो अपसाइड डायरेक्शन के अंदर हो सकता है, यहाँ पर बड़ा कोई गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग ना हो तो अच्छा सा ट्रेड जो है आज के सेशन के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, एज ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से आपके मददगार रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।